हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टडी में हम डिस्कशन करेंगे ऑडिटिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंटर जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो पेपर पैटर्न होने वाले उसको लेकर हम बात करेंगे। हम देखेंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से चैप्टर इन्वॉल्व किए गए, कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाने वाला है, और इस बार की एग्जाम के लिए कौन से IMP क्वेश्चन निकलने वाले हर एक चैप्टर में, उन सबको लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा कि इस बार की एग्जाम में कौन सी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, हम सारे क्वेश्चन इजीली कम टाइम में तैयार कर पाए। तो प्लीज वीडियो को एंटर देखना, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। अब हमारी एग्जाम जो है 70 मार्क की हो रही है एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ हो रही है। तो अब हमें एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हर एक क्वेश्चन के मार्किंग जो बताया गया टोटल यूनिवर्सिटी की ओर से इक्वल बताया गया, मतलब 14 मार्क के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टोटल जब 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर, राइट। अब हर एक क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं कि जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जाएगा। तो यूनिवर्सिटी की ओर से टोटल 3 तरह के ऑप्शन बताए गए। आपको अब आइडिया होगा कि 14 के ऑप्शन में 14 करके वो एक क्वेश्चन को कवर कर सकता है, या दूसरा तो 14 के ऑप्शन में क्या पूछेगा, 7-7 के दो क्वेश्चन, या थर्ड ऊपर भी 2-7 के पूछ सकता है और नीचे भी 2-7 के। बट हमारे ऑडिटिंग में क्या अप्लाई होता है वो ध्यान से समझिएगा। ज्यादातर मोस्टली जो अप्लाई हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 14 के ऑप्शन में 7-7 होगा, क्योंकि 70 मार्क है लेकिन साथ में टाइमिंग कम है। अगर टाइमिंग 3 आवर का होता ना तो इस 7-7 का ऑप्शन में 7-7 अप्लाई हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है टाइम कम होने की वजह से एक 14 का वो दे देगा जिससे स्टूडेंट्स का टाइम सेव होगा। अगर 14 के ऑप्शन में चला जाएगा तो उसका टाइम सेव होगा, इसके लिए ऑप्शन में 7-7 वो दे देगा, तो इसका भी अप्लाई उसमें हो जाता। तो मुझे लगता है इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम जैसे भी ही हो सकते हैं। बाय चांस कहीं उसको चेंज करना है तो 7-7 के अकॉर्डिंग 7-7 भी कर सकता है। बट आप मोस्ट ऑफ इसी तरह से तैयारी कर सकते हैं कि ऊपर हमको 14 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और नीचे 2-7 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे ही। अब हम बात करते हैं 1-1 यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर इन्वॉल्व किए गए, ठीक है, उसके अपने IMP और स्ट्रेटजी भी बताऊंगा एंटर देखना। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर याद रखिएगा, मैं आपको यूनिट वाइज बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुक के अंदर देखोगे ना चैप्टर टोटल 10 दिए गए, नंबर वाइज अलग अलग है, ठीक है, पर यूनिट वाइज समझिए कौन से यूनिट में कौन से चैप्टर इन्वॉल्व किए, ध्यान से समझिए जिससे आपको क्लियर रहे कि कौन से क्वेश्चन के लिए कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, किसमें 5 चैप्टर है, किसमें 2 चैप्टर, तो किसी में 1 चैप्टर है। तो ध्यान से समझिएगा, या आप देख लीजिए 10 चैप्टर है गुजराती वाले समझ जाएंगे, सेम बुक होगी। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 में आने वाला है वहाँ पे आपके पास 5 चैप्टर है। चैप्टर याद रखिएगा 2019 के बाद चेंज हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 आएगा, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4-5 भी इसी में आएगा, वरना क्या होता था चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे हुआ करता था पिछले साल से, पहले पिछले साल से ही चेंज हुआ है। तो 5 चैप्टर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में आने वाले हैं। और जैसे मैंने मार्किंग की बात की 14 के ऑप्शन में 7-7 होगा, हम फिक्स नहीं बोल सकते कि 14 में कौन सा आएगा, लेकिन मैं IMP क्वेश्चन इस तरह से बताऊंगा कि आप इजीली या तो ऊपर का या नीचे का 7 इजीली कवर कर ही लोगे एग्जाम के अंदर। IMP एंड में बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 2 जो हमारा यूनिट नंबर 2 में से आने वाला है, अब यहाँ पे हमारे पास एक ही चैप्टर बचता है, क्योंकि पहले 4-5 हुआ करता है लेकिन अब वो क्वेश्चन नंबर 1 में आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही चैप्टर बचता है, चैप्टर नंबर 10 है, याद रखिएगा कंपनी ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर चैप्टर 10 ही है। एंटर देखना, लास्ट में मैं इजी चैप्टर भी बताऊंगा कि किस तरह से 14 कहाँ पर सबसे ज्यादा इजीली कवर कर सकते हो। ये मार्किंग बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, एक इसी में से 14 का पूछा जाएगा तो ऑप्शन में 2-7-7 भी इसी में से पूछा जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, यूनिट नंबर 3 में से आएगा। अब उसके आगे का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाएगा। मार्किंग में जिस तरह से बताया इसी तरह से मोस्ट ऑफ होने के चांसेस है, ऐसा किसी क्वेश्चन में करना है बाय चांस तो वो कर भी सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब बाकी जो 2 चैप्टर बचे हैं यूनिट नंबर 4 में कहलाएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 में आने वाला है, जो हमारा चैप्टर लास्ट वाला 8 और 9 बचा है। 10 नंबर या क्वेश्चन 2 में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। मार्किंग वापस वैसे 14 के ऑप्शन में 7-7 रहने वाला है। आई होप आपको यूनिट वाइज चैप्टर के नाम पता चल गए होंगे और मार्किंग का आपको आइडिया आ चुका होगा। अब क्वेश्चन 5 को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या IMP स्ट्रेटजी भी ध्यान से बुक के थ्रू हम समझने वाला है। वीडियो लॉन्ग रहेगा क्योंकि ऑडिटिंग है, इसलिए ध्यान से आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन 5 में 98% जो चांसेस है ऑडिटिंग सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि पिछले 3-4 पेपर से जैसे पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, आपको MCQ ही देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 5 में MCQ आएंगे जो हर एक यूनिट में से आने वाला, हर एक चैप्टर में से ही पूछे जाने वाले। यहाँ पर 10 चैप्टर तो समझ सकते हैं कि एक चैप्टर में एक एक भी हो सकता है, या किसी चैप्टर में से 2 भी हो MCQ हो सकते हैं। इसकी तैयारी समझा तो कहां से करना है, मार्किंग समझ लेते हैं कि एक MCQ कितने मार्क का होगा, 2 मार्क का होगा। एक बार हेडलाइन रीड जरूर कीजिएगा, 2 मार्क का ही होने वाला है। तो आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 7 जितने क्वेश्चन आपको क्या करना है अटेम्प्ट करने, लेकिन आपको दिए गए एक्स्ट्रा
10 तो मिनिमम दिए गए होंगे, मैक्सिमम 12 भी हो सकते हैं, जहां तक 12 ही पूछे जाएंगे। तो इसमें से 7 आपको याद रखना है वो लिखने जो आपको आते, नंबर का कोई इंपोर्टेंस नहीं, आगे पीछे कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो याद रखिए 7 वो लिखिए जो आपको पहले आते, जिसके थ्रू आपके 14 मार्क इजिली कवर हो जाएंगे, जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन करें उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे मेन ये होता है। क्योंकि आपकी एग्जाम 70 मार्क की हो रही है तो 25 मार्क क्या होते हैं, पासिंग होते, जिसमें से अगर 14 आप कवर कर लेते हो आधे से ज़्यादा यहाँ काम हो जाता है, और ऊपर में से आप थ्योरी लेकर इजीली 25 के अबव ला ही सकते हो, ठीक है, एक दिन के अंदर ही। आई होप क्वेश्चन 5 क्लियर हो, आप उसकी तैयारी समझा देता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको बेस्ट बता देता हूँ, जो हर एक स्टूडेंट्स को करना ही है, कि VGCET.in एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। क्यों, वहाँ पर आपको क्या रहेगा, हर एक सब्जेक्ट की फ्री MCQ टेस्ट आपको देने को मिलेगी। MCQ टेस्ट में क्या लेगा, जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है, जैसे कि 18 समझो, 19 और 22 जो पूछे गए MCQ होंगे, उसके आपको टेस्ट देने को मिलेगी। अभी अपलोड नहीं हुई है तो एग्जाम तक हो जाएगी, क्योंकि ये वीडियो एक मंथ पहले बन रहा है। एग्जाम के दिन चेक करके तो आपको फ्री MCQ टेस्ट मिल जाएगी, और साथ में एग्जाम के दिन आपको फ्री PDF भी इसी सारे MCQ की देखने को मिलेगी। कोर्स के अंदर जाके देखना, फोल्डर में आपको मिल जाएगी, तो MCQ की PDF भी रहेगी, तो आप इजी लास्ट टाइम 1 से 2 आवर में रेडी भी कर पाओगे, 14 मार्क आपके कवर हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये करना ही सबको, आप अपनी बुक है आपके पास, अगर लेटेस्ट बुक है तो अच्छी बात है, हर एक चैप्टर के एंड में आपको MCQ दिए गए, ठीक है, हेतु लक्ष्य ये कर लोगे तो सबसे बेस्ट है। इसके बाहर तो आपको आने वाला ही नहीं, लेटेस्ट के 3 तो आपको आंसर मिल जाएंगे वहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर, और उससे अलावा एक्स्ट्रा आपको यहाँ से जितने भी दिए वो कर लोगे ना, उसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये करना भी अच्छी बात है, हो सके टाइम आपके पास एक्स्ट्रा है तो ये MCQ भी जरूर कर लीजिए, और लेटेस्ट का आंसर आपको मिल ही जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, 14 में से 40 लाना सबसे ईजी है। अब बात करते हैं ऊपर के 4 क्वेश्चन, IMP भी बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा, ध्यान से समझना, क्योंकि हमारे पास जब 5-5 चैप्टर होते हैं, अगर आपको 1-2 चैप्टर करना है तो कैसे तैयारी करनी चाहिए, किसको चैप्टर को हम इग्नोर कर सकते हैं, इस बार की एग्जाम के लिए ही वैसा मैं बोल रहा हूं, बाकी आपको पूरे करने रहते थे जब कोविड का टाइम था उसके अंदर, तो समझते। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेता हूं, आगे पीछे रहेगा, चैप्टर 10 की बात कर लेते, इसमें IMP समझेगा और स्ट्रेटजी समझेगा। जैसे मैंने कहा 14 ओके ऑप्शन में 7 हो गए, तो इसके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रेटजी और IMP आपको बताने वाला हूं। तो चैप्टर के अंदर देखेंगे ना, वैसे पढ़ने के लिए सबसे इजी चैप्टर, क्योंकि थियरी भी आपको पढ़ना तो पड़ता है, तो पढ़ने में ये चैप्टर सबसे इजी है, पॉइंट वाइज एकदम नॉर्मल आप याद कर सकते हो, शायद 1 आवर में ये चैप्टर रेडी हो जाएगा, 40 में से 14 आएंगे। तो लास्ट दिन जो प्रिपरेशन करें पहले ये चैप्टर की आपको तैयारी करना है, समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन कौन से रेडी करने, तो सबसे पहले आपको कंपनी ऑडिटर के बारे में क्वेश्चन आएगा ही, तो कंपनी ऑडिटर का सबसे पहले क्या पढ़ना है, गुजराती में समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, बिजनेस बुक रखिएगा। क्वालिफिकेशन पढ़ना, क्या पढ़ना है, क्वालिफिकेशन, पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, पॉइंट नंबर 2 क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन साथ में कंबाइंड करके पूछा जा सकता है, लायकात और गैर लायकात, मतलब ऑडिटर के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है अपॉइंटमेंट, मतलब निमणुक, ये 3 टॉपिक में से एक तो होगा गारंटेड है, चाहे 7 मार्क में हो या 14 का होगा, तो 2-3 को मिला के पूछा जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा ग्रुप में पढ़ना, रिमूवल पढ़ सकते हो कि उसको कैसे रिमूव किया जाता है, पढ़ सकते हो, बट ऊपर के 3 तो गारंटेड आपको पढ़ना है। उसके बाद पॉइंट नंबर आप देख लोगे ना 7, 8, 9 यहां पर आगे पीछे हो सकता है, क्या राइट्स बोला, राइट्स मतलब उसके हक, जो ऑडिटर के हक है, साथ में ऑडिटर के लियन के हक होते हैं वो वाले पढ़ना, और साथ में ड्यूटी फर्जो, ये 5 टॉपिक है जो इजी और सबसे कम टाइम में आप रेडी कर सकते हो। इन 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा और सारे क्वेश्चन, लेकिन ये सबसे कम ये पढ़ लोगे ना आपको गारंटेड है, या तो 14 में निकला तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, 7 में से भी आपको 1 तो गारंटेड देखने को मिलेगा ही। तो ये 5 क्वेश्चन पहले पढ़ने जो सबसे ईजी है, 1 आवर में रेडी हो जाए, उसके अलावा एक्स्ट्रा अपनी सेफ्टी के लिए जो रेगुलर स्टडी कर रहे 1-2 पढ़ लेना, तो आपका सारा काम हो जाएगा। फिर से बताना चाहूँगा, पॉइंट नंबर 2-3 क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन, लायकात गैर लायकात, अपॉइंटमेंट, निमणुक और रिमूवल को भी एक्स्ट्रा सेफ्टी के रूप में पढ़ लेना, और ऑडिटर के राइट्स हक पढ़ लेना, दोनों वाले लियन वाले भी पढ़ना है, और ड्यूटी फर्ज पढ़ लेना, ये सिंपल सा मैंने बताया, ठीक है, और एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से 1-2 पढ़ सकते। तो ये 14 आपके हो गए कवर। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3, ठीक है, जहाँ पे 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 और 7, स्ट्रेटजी भी साथ में मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है, मार्किंग के अकॉर्डिंग। अब 6 और 7 समझना किस तरह से आपको तैयार करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या टॉपिक बहुत सारे, अब आपको लग रहा होगा बहुत लेंथी है, लेकिन हम इस तरह से पढ़ेंगे ना कि वो ईजी हो जाए हमारे पढ़ने के लिए। तो समझिएगा, चैप्टर नंबर 6 और 7 दोनों वाउचिंग के रिलेटेड ही है, पर यहाँ पे वाउचिंग के बारे में बताया गया, और चैप्टर नंबर 7 में क्या बताया गया कि कैश ट्रांजेक्शन जो होता है, रोकड़ व्यवहार, उसका वाउचिंग कैसे करते हैं वो बताया गया, ठीक है, वीडियो लॉन्ग रहेगा डिटेल में समझाने के लिए, कैश ट्रांजेक्शन जो होते हैं, रोकड़ व्यवहार का वाउचिंग, उसके बारे में बताया। तो दोनों चैप्टर होंगे तो पहला फोकस वाउचिंग पे कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर इजी है, क्योंकि आपको ऑप्शन अगर दिए जा रहे हैं तो क्यों ना इजी चैप्टर पे ज़्यादा फोकस किया जाए, जो चैप्टर 6 इस यूनिट में सबसे इजी है, तो इस पे पहले फोकस कीजिए, क्योंकि 14 अगर उसमें से निकल गया तो आपका तो काम हो गया, जो लास्ट डे प्रिपरेशन करे उस स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट यही तैयारी रहेगी। तो तैयारी में समझिएगा, यहाँ पर 6-7 क्वेश्चन है, पर 3-4 पहले पढ़ना है। वाउचिंग का सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पर पढ़ लेना है इंपॉर्टेंस, महत्व पढ़ लेना है,
फिर वाउचिंग तैयार करते समय कौन से मुद्दों को ध्यान रखना है ऑडिटर को, वो पॉइंट टू बी कंसिडर, पॉइंट नंबर 7 आगे पीछे हो सकते हैं, ये न्यू बुक है इसके लिए। फिर वाउचिंग और के बारे में ऑडिटर की जो ड्यूटीज होती है फर्ज, वो पढ़ लेना है। तीन टॉपिक हो सकते हैं, यहाँ से मैं वापस दिखाने की कोशिश करूँगा, कुछ रह जाए तो ध्यान से समझिएगा। वाउचिंग एंड ऑडिटर की जो ड्यूटी है, जो फर्ज है, वो आपको पढ़ना है। पॉइंट टू बी कंसिडर, वाउचिंग के समय कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंस बोला महत्व, और बाकी एक दो बच गए अगर पढ़ लेते हो ना तो आपके 14 में से इसमें से आया तो काम हो जाए। तीन पहले ही इंपॉर्टेंट पढ़ना है, आई होप वाउचिंग क्लियर हो चुका होगा, ये पहले पढ़ना है। फिर टाइम बचता है रेगुलर स्टूडेंट्स आप सारे चैप्टर पढ़ने तो चैप्टर नंबर 7 पढ़ना, लेकिन लास्ट में प्रिपरेशन करो तो एक चैप्टर के बेस पर जा सकते हो, एक चैप्टर वन आवर में आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 में अंदर क्या पढ़ना है, कैश ट्रांजेक्शन के दो टॉपिक, एक तो आवक जावक जानते ही, रिसिप्ट और पेमेंट, इसमें इतने सारे दिए तो कुछ टिक किए वो पढ़ लेना, जिससे आपको लिखने का तो आइडिया रहेगा। पॉइंट नंबर 2 कैश वाला रोकड़ सेल, पॉइंट नंबर 3 डेप्टर देवादार पास से जो मिलता है, पॉइंट नंबर 6 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रोकाणु वेचाण, पॉइंट नंबर 17 इनकम टैक्स रिफंड। ये हो गया रिसिप्ट, आवक की बात की। इसी तरह जावक पेमेंट के अंदर जो रेगुलर स्टडीज करते हैं तो उनको पढ़ लेना, लेकिन लास्ट में प्रिपरेशन वाले इसको छोड़ सकते हैं मेरा कहना, क्योंकि टाइम ही इतना कम है तो सब पढ़ने की वैसे भी जरूरत नहीं है। तो पेमेंट के अंदर यहाँ पर जो फिक्स एसेट्स को परचेस करते हैं वो भी पढ़ लेना, कैश परचेस रोकड़ खरीदी भी पढ़ लेना, प्रीमियरली एक्सपेंसेस प्राथमिक खर्चा पढ़ लेना, ऑडिट फी पढ़ लेना। तो ये 4-5 टॉपिक है, यह आप पढ़ लेना तो आपके बारे में क्लियर हो जाएगी, ये भी आप सेफ हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। लास्ट में प्रिपरेशन वालों को भी समझ में आ रहा होगा कैसे तैयार करनी है, और जो रेगुलर स्टडी करते हैं उनको भी क्लियर हो गया। 2 मिनट अब लोग हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 4 पे, समझना ध्यान से लास्ट तक देखना। अब 8 और 9 दो चैप्टर, इसमें भी जो लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बोलो एक चैप्टर फोकस कीजिए, दो मत कीजिए 8 नंबर का, क्योंकि आपको ऑप्शन में दोनों चैप्टर देखने को मिलेंगे ही, और ऑप्शन में 7-7 रहेगा ना तो 8 का भी रहेगा और 9 का भी रहेगा। अब यहाँ पे फिक्स नहीं कि 8 का होगा या 9 का होगा, ये फिक्स नहीं है, समझिए, बट हम लोग ये सोच कर चलते हैं कि जो हम पढ़ा है वही 14 में आ जाए। अब 8-9 में समझिएगा आपको कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, वीडियो लॉन्ग रहेगा लेकिन लास्ट तक देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पढ़ना, किस तरह से पढ़ना, कौन से चैप्टर आपको छोड़ देने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 8-9 सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 1 और 2 मतलब टॉपिक को डिवाइड कर लिया, चैप्टर नंबर 8 में थोड़े टॉपिक और चैप्टर नंबर 2 के 9 के अंदर बाकी बचे टॉपिक बताया गया, लेकिन ये चैप्टर पढ़ना थोड़ा इजी है। चैप्टर नंबर 8 यहाँ पर समझिएगा वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन जो है हमारा, मूल्यांकन अने चकासणी। तो देखिए यहाँ पर जो एसेट्स लाइबिलिटी दी गई ना, मिलकतों अने देवा, तो इसका थोड़ा टॉपिक ईजी है। सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, डिफरेंस पढ़ना है, डिफरेंस जो वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ना है। अगला टॉपिक जो ऑडिटर की ड्यूटी है ना, ड्यूटीज जो है हमारी फर्ज जो है, जो लायबिलिटी के रिगार्डिंग वेरिफिकेशन करते समय क्या क्या उसकी ड्यूटीज है वो टॉपिक पढ़ लेना, दो टॉपिक हुए। तीसरा आपको जो बहुत सारी एसेट्स दिए मिलकर, उसमें से एग्जाम में किसी के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है, समझिएगा यहाँ पर दो टॉपिक हुए। तीसरा टॉपिक ये किसी के बारे में भी पूछ सकता है, या तो फिर डायरेक्ट नाम लिख लेगा। तो यहाँ पर 9 टॉपिक दिए, उसमें से 2 या 4 पढ़ लीजिए, ऊपर के 2, नीचे के 2, और ये बीच में इन्वेस्टमेंट रोकान, ये 5 टॉपिक के बारे में आप पढ़ लीजिए, सेफ हो जाएंगे, इसमें से ही सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के रिपीट हो जाएंगे। 1 और 2 यहाँ पर लास्ट, 8 और 9 और पॉइंट नंबर 4 रोकान इन्वेस्टमेंट, 5 के बारे में आपको वेरिफिकेशन चकासने के बारे में पढ़ लेना कि कैसे होता है। तो यहाँ पर ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ना, आई होप क्लियर हुआ होगा। और चैप्टर नंबर 9 हो सके ना तो लास्ट ईयर प्रिपरेशन वालों को तो ये चैप्टर छोड़ना ही है, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ना ही है। तो मेरा ये सजेशन है कि इसमें मैं IMP नहीं दे रहा हूँ, बट मैं कहना चाहूँगा अगर हो सके तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ लेना चाहिए तो ध्यान से सुनिएगा। लास्ट एग्जाम 2 एग्जाम में जो पूछे हुए इसमें से जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेना, या आप भी इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से आपका काम जहाँ तक हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें टॉपिक ही इतने सारे दिए गए हैं ना, इससे बेस्ट है कि चैप्टर नंबर 8 ही पढ़ लो, ठीक है। लास्ट इन प्रिपरेशन वाले वही करने लगे, रेगुलर वाले भी ऐसा कर सकते हो, अपनी मर्जी से 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप अपनी मर्जी से पढ़ के जा सकते हो इस चैप्टर के अंदर, इसमें मैं IMP आपको दे रहा नहीं हूँ। अब हमारा लास्ट आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर ज़्यादा चैप्टर लेकिन ईजी है। ईजी कैसे समझाता हूँ, 2-3 चैप्टर तो सबसे ज़्यादा ईजी है, अगर वो 14 में आ गया तो अपना काम हो जाएगा, लेकिन देखिएगा IMP कौन कौन से, फटाफट बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। ऑडिटिंग के अंदर तो 2-3 टॉपिक जो लास्ट टाइम दिए थे वही दे रहा हूँ, और वही एग्जाम में आए थे, कि उतने मैक्सिमम है, उतना पढ़ोगे तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। एक तो ऑडिटिंग के कैरेक्टरिस्टिक लक्षण आपको आने चाहिए, पॉइंट नंबर नहीं बोल रहा पर आप समझ जाएंगे। अगला एडवांटेज और लिमिटेशन, फायदा और मर्यादा, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है ऑडिटिंग के बारे में, आपको आ गया, हो गया चैप्टर नंबर 1 क्लियर। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, चैप्टर 2 में क्या, जैसा नाम है ना बस वैसे आपको पढ़ना है, यूनिट नंबर 1 में ईजी है, बस चैप्टर ज्यादा है। ऑब्जेक्ट बोला गया है, हेतु या उपदेश हो तो हेतु उपदेश का जो चार्ट दिया है ना वो पहले क्लियर कर लीजिए, बस हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ काम हो जाएगा। अगला टॉपिक, ये तो सब टॉपिक है वैसे तो MCQ में काम में आएंगे, लेकिन मेन ये क्वेश्चन आपने पढ़ा ना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आई थिंक आपका काम इस चैप्टर के अंदर भी
हो जाएगा और एक्स्ट्रा समझिएगा क्या पढ़ना है आपको। पॉइंट नंबर 7 और 8 है, हो जाते हैं बोलता आपको, जो कैश की रोकड़ की ऊंचापत है और मालनी ऊंचापत, उसके बारे में डायरेक्ट बोल देगा आपको। ये जो दिया ना ABCD, आपको कोई भी अपनी मर्जी से किसी के बारे में लिख देना है, रोकड़नी ऊंचापत और मालनी ऊंचापत, ये दो टॉपिक, बस इतने में ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पर ऑब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना, उपदेश पे ज्यादा खास ध्यान देना है। चैप्टर नंबर आगे 3 की ओर आते हैं, तो देखिए 3 के अंदर लास्ट टाइम देखना, लास्ट तक एंड वीडियो देखना, एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा एंड में कि कैसे तैयारी हो सकती है। और टाइप बताएगा, तो टाइप के अंदर सिंपल सारे टाइप के नाम पढ़ लो पहले, नाम पढ़ने किस टाइप पे ज्यादा फोकस करना समझना, एक दो क्वेश्चन ही पढ़ने थे, टाइप्स पढ़ लिए सारे। पॉइंट नंबर 3 और 4 का ही टाइप्स के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा, उसमें भी खास करके एनुअल, वार्षिक और कंटिन्यूअस चालू, इन दोनों की डिटेल पढ़ लेना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और तफावत वही पढ़ लेना, तफावत डिफरेंस पढ़ लेना और कुछ नहीं पढ़ना। जैसे क्या इसके बारे में अगर शॉर्ट नोट पूछा तो भी आप लिख पाओगे, या अपनी वजह से उसने बोला एक्सप्लेन करो तो इन 2-3 को एक्सप्लेन आपको कर लेना, बस नाम आपको सबके पढ़ लेने रहेंगे, MCQ में भी आपको काम में आएगा इसके लिए। क्लियर, तफावत डिफरेंस पढ़ लेना है जिससे उसके बाद शॉर्ट नोट पूछे ना तो भी आप लिख पाओ ये रहा, या तो फिर आपको किसी एक के बारे में पूछे तो भी आप उसके बारे में लिख पाओगे। ये हमारा चैप्टर 3 का काम हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, तो चैप्टर 4 के अंदर कौन से निकलते हैं, देखिएगा ऑडिट कार्यक्रम, ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम, वो सबसे मेन टॉपिक इसमें से। तो उसके पहला पॉइंट नंबर 4 है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फायदा और गैर फायदा, ये एक टॉपिक पढ़ना है। दूसरा टॉपिक जो पॉइंट कंसीडर करने रहते हैं ना, वो वाला टॉपिक पॉइंट नंबर 9 छपा है, सेम होगा आई थिंक, वो पढ़ना है। 2 टॉपिक, तीसरा टॉपिक है ना जो उसकी प्रोसीजर है, उसके अंदर रूटीन चेकिंग और टेस्ट चेकिंग पढ़ लेना है। ये 3 टॉपिक, इसमें 2 टॉपिक ज़्यादा है, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ लेना, चैप्टर 4 हो जाएगा। लास्ट चैप्टर 5 देखा जाए तो अगर 14 का पूछना है इसमें से निकल गया तो चैप्टर तो ईजी है, पर अगर यहाँ तक पढ़ा तो फायदा होगा, रेगुलर स्टूडेंट से चैप्टर 5 तक पढ़ लेना जरूर। अगला टॉपिक है इसमें पॉइंट नंबर 10, कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिया लक्षण, ये पढ़ लेना सबसे पहले। उसके बाद इसके जो टॉपिक निकल के आ रहा है, डिफरेंस पढ़ना है, तफावत पढ़ना, पॉइंट नंबर 17 वाला तफावत और पॉइंट नंबर 18, ये दोनों के बीच का डिफरेंस। और सबसे खास जो इंटरनल चेक होता है, आंतरिक अंकुश, कैश सेल, रोकड़ वेचाण का, वो टॉपिक मिले, 3 टॉपिक ही पढ़ना है। डिफरेंस को एक ही समझो, ये जो चेक फॉर कैश रोकड़ के लिए जो आंतरिक अंकुश है वो टॉपिक, और कैटरिस्ट लक्षण, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ लेना है, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम मैंने बताया, वैसे आई होप 5 चैप्टर के मैंने IMP जो बताया वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए लास्ट दिन प्रिपरेशन करें, सबसे पहले आपको MCQ पे ध्यान देना है, फिर आपको गारंटेड क्वेश्चन नंबर 2 करना ही है, मतलब चैप्टर 10 आपको रेडी करना ही है। उसके बाद फिर इनमें से एक ही चैप्टर आपको करना है, चैप्टर नंबर 6 करना और चैप्टर नंबर 8 करना है, ये लास्ट डे प्रिपरेशन करने वाले की बात करो। और इसमें से अपनी मर्जी से 1-2 चैप्टर स्टार्टिंग चैप्टर 1 और 2 कर लोगे तो भी इनफ है, थर्ड का भी कर लेना, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इससे आप कम टाइम में बेस्ट प्रिपरेशन कर पाए। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, कुछ बाकी रह गया तो मुझे कमेंट कीजिएगा, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, वहां पर आपकी एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज रहती है, जो सिलेबस चेंज हुआ वो अपलोड किया जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।